नमस्कार, क्या आपको पता है दिल्ली में मुफ्त बिजली का फॉर्मूला क्या है? वहां की गवर्नमेंट कैसे दिल्ली के आम लोगों को बिजली फ्री दे रही है? हजारों करोड़ों रुपए बिजली का बिल आ रहा है, वो बिजली का बिल कौन भरता है? क्या वहां की राज्य सरकार खुद बिजली बना रही है या किसी से खरीद रही है? अगर खरीद रही है तो वो पैसा कहां से आ रहा है? और जब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली देना शुरू किया, तब से इंडिया के कई अलग अलग राज्य भी मुफ्त बिजली देना शुरू कर दिया। अभी हाल ही में पंजाब में आप सरकार आई, वहां पे भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की गई। तो आखिर ये जो राज्य हैं फ्री बिजली देते हैं, उसके लिए पैसा कहां से आता है? तो आखिर अपन जानेंगे कि ये फ्री बिजली का फॉर्मूला क्या है, आइए देखते हैं। दिल्ली में अभी वर्तमान में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। 201 से 400 यूनिट तक पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। यानी कि अगर आप 200 यूनिट बिजली जलाते हो तो आपका बिजली बिल शून्य आएगा, जीरो। लेकिन अगर 200 से 400 के बीच पे अगर आपने बिजली जलाई यूनिट, तो आपका बिजली बिल आएगा 50%, यानी आधा। 200 तो सरकार सब्सिडी दे देगी और आपको 200 यूनिट के ही पैसे देने हैं। यह 2015 से लागू है, जब से केजरीवाल सरकार आई है दिल्ली में, तब से 2015 से दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री दी जा रही है। पहले शुरुआत की बात बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ मकान मालिक को ही बिजली दी जाती थी फ्री में, पहले किराएदार इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन पिछले 4 साल से किराएदारों को भी इसमें शामिल कर दिया। पहले सिर्फ मकान मालिक को बिजली फ्री दी जा रही थी, लेकिन अब पिछले 4 साल से किराएदारों को भी बिजली फ्री दी जा रही। 2011-12 में 43 लाख कंज्यूमर थे, 2011-12 में 43 लाख कंज्यूमर थे। अभी हाल ही में 2021-22 में सर्वे हो, उसमें 63 लाख कंज्यूमर हो गए। एक दावा किया जा रहा है दिल्ली में कि 75% लोगों को जीरो बिल आ रहा है। मतलब तकरीबन वहाँ के जो दिल्ली के जितने भी रहने वाले हैं दिल्ली राज्य के, तकरीबन ये दावा किया जा रहा है कि 70% लोगों को जीरो बिल आ रहा है। यानी 70% लोग 200 यूनिट तक ही बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, ये है उनके बिल आ रहा है जीरो। अब देखिए आप, बिजली बिल कौन बढ़ता है? आखिर इनके बिजली बिल जीरो आ रहा है वहां के लोगों का, तो बिजली बिल बढ़ता कौन है? और बढ़ता है तो भी इतने हजारों करोड़ रुपए कहां से आते हैं? ये देखिए मेन पॉइंट की बात ये है, दिल्ली सरकार भरती है अपनी आय से। अब देखिए, ना तो दिल्ली सरकार बिजली बनाती है, दिल्ली सरकार बिजली खरीदती है। अब दिल्ली सरकार कहाँ से खरीदती है? या तो गवर्नमेंट उपक्रम से खरीदती है या प्राइवेट कंपनी से खरीदती है। अब जहाँ से भी खरीदो, दिल्ली सरकार को पैसा तो देना ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ के कंज्यूमर तो दिल्ली सरकार को पैसा नहीं दे रहे, तो उसका पैसा दिल्ली सरकार को भरना पड़ता है। अब पैसा कहाँ से लाती है दिल्ली सरकार? या तो अपने टैक्स से लाती है पैसा, या दिल्ली सरकार कर्ज लेती है। दोनों तरह से है। हर सरकार, दिल्ली सरकार हो या कोई से भी सरकार हो, अपने जनता की योजनाओं के लिए कर्ज लेते हैं। अब दिल्ली सरकार या तो टैक्स, जो जनता से जो टैक्स का पैसा आता है, उसका पैसे को सब्सिडी के रूप में जनता को देती है, या फिर कर्ज लेती है। इसीलिए दिल्ली सरकार इस बिजली बिल का पैसा भरती है। और कैसे भरती है देखिए आप, हर साल बिजली पर सब्सिडी देती है। हर साल दिल्ली सरकार का जो बजट आता है ना, उसके ऊपर जो दिल्ली वासियों को जो बिजली फ्री दी जाती है ना, उसके लिए सब्सिडी दी जाती है। अब कब और कितनी कितनी सब्सिडी दी गई ये देखिए आप, 2015-16 में 1200 करोड़ रुपए दिए गए, 2016-17 में 1570 करोड़, 2018-19 में 1700 करोड़, 2019-20 में 1730 करोड़, 2020-21 में 2820 करोड़, 2021-22 में 3090 करोड़, और अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने बजट पेश किया गया, उसमें 2022-23 में 3250 करोड़ बिजली सब्सिडी के नाम से निकाले गए हैं। अब देखिए आप, ये 3250 करोड़ अगर जनता से लिए जाए, तो यही पैसे किसी और जन कल्याणकारी योजना में खर्च किए जा सकते हैं। यह 3250 करोड़ दिल्ली वासियों को फ्री में दिए जा रहे हैं वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में खुद अरविंद केजरीवाल वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने कहा था, उनका स्टेटमेंट आया था, जो संपन्न लोग हैं वो यह सब्सिडी छोड़ दे। वो कह रहे हैं कि आप यह सब्सिडी छोड़ोगे ना, तो हम जनता के लिए अस्पताल और स्कूल बनाएंगे इन पैसों से।
तो उनकी बात कहना काफ़ी हद तक भी सही है कि हर चीज़ अगर आप संपन्न हो तो आपको वो चीज़ लेनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन जो आप वो छोड़ोगे ना, वो पैसा आएगा ना, वो राज्य के विकास में ही लगाया जाएगा। तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं जो फ्री की जो स्कीम आम जनता को मिल रही है ना कहीं बाहर तो जनता पर ही पड़ रहा है, किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। आप ऐसे लो या ऐसे लो, कहीं से भी आपका पैसा ही आपको दिया जा रहा है। इसीलिए ध्यान रखना है कि जो फ्री की स्कीम है ना, आने वाले टाइम में हो सकता है राज्यों के लिए नुकसानदायक भी हो।